हेलो दोस्तों, आप सबका मेरी चैनल वॉस कुकिंग में स्वागत है। और आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही टेस्टी और इंस्टेंट ऐसी सब्जी जो है पनीर भुर्जी। तो चलिए ये डिलीशियस रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। ये रेसिपी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 100 ग्राम पनीर, जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है, यानी कि इसके छोटे छोटे टुकड़े किए हैं मैंने। एक प्याज बारीक कटा हुआ, एक टमाटर बारीक कटा हुआ, स्वादानुसार नमक, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच गरम मसाला, एक चम्मच कसूरी मेथी, आधा चम्मच मैंने यहाँ पे अदरक लहसुन की पेस्ट ली है, और एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और मैंने यहाँ पे लिया है आधा चम्मच जीरा और 3 से 4 चम्मच तेल। तो चलिए ये इंस्टेंट सब्जी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे। यहाँ पे हम गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और इसमें हम 3 से 4 चम्मच तेल डालेंगे और इस तेल को हम अच्छे से गरम करेंगे। तेल अच्छे से गरम होने के बाद हम इसमें डालेंगे जीरा। गैस का फ्लेम हमें यहाँ पे मीडियम ही रखना है और जीरा को हम थोड़ी देर भून लेंगे। जीरा अच्छे से भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे प्याज और प्याज को हम 1 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसका कलर हल्का सा सुनहरा होने देंगे हम। जब प्याज का कलर चेंज हो जाए हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन की पेस्ट। आप इसमें हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हो। हरी मिर्च आप प्याज डालने से पहले डालें। अदरक लहसुन की पेस्ट को हम 1 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई करेंगे और फिर हम इसमें डालेंगे टमाटर और प्याज और टमाटर को हम अच्छे से भून लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए और इसे हम ऐसे लगातार चलाते रहेंगे। आप इसे ढक के भी पका सकते हो 2 से 3 मिनट के लिए। फिर हम इसमें डालेंगे सारे सूखे मसाले और तब हम गैस का फ्लेम स्लो करेंगे। हल्दी, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर और स्वादानुसार नमक, इन सारे मसालों को हम प्याज और टमाटर के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाले, प्याज और टमाटर ये अच्छे से पकना काफ़ी ज़रूरी है, तो ही सब्जी को एक बहुत अच्छा टेस्ट मिलता है। अब हम इसमें डालेंगे 3 से 4 चम्मच पानी ताकि मसाले जले ना, और इस ग्रेवी को हम अच्छे से 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। और कुकिंग के डेली अपडेट्स के लिए आप मेरे फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक कीजिए, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। किसी भी सब्ज़ी की जो ग्रेवी होती है वो अच्छे से पकना काफ़ी ज़रूरी है, तो ही सब्ज़ी को बहुत अच्छा टेस्ट मिलता है। आप देख सकते हो कि ग्रेवी से तेल छूट रहा है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे पनीर और इसे हम हल्के हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे। पनीर डालने के बाद हम इसे ज़्यादा देर तक नहीं पकाएंगे, बस 5 से 7 मिनट के लिए हम इसे धीमी आंच पे पकाएंगे। इस पनीर को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये सब्ज़ी बहुत ही इंस्टेंट और फटाफट बन जाती है। 15 मिनट में ये सब्ज़ी बन जाती है। अब हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी डालने के बाद इसका स्वाद और भी अच्छा आता है। अगर आपके पास कसूरी मेथी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसे ना डालें। आप इसमें और भी मसाले डाल सकते हो, जैसे धनिया पाउडर, जीरा पाउडर अगर आपके पास है तो। हम इसे और 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। गैस का फ्लेम हमें यहाँ पे धीमा ही रखना है और 2 से 3 मिनट के बाद हम इसमें डालेंगे धनिया और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे फाइनल एक बार। तो लीजिए, आपकी इंस्टेंट और झटपट पनीर भुर्जी रेडी है। आप इसे रोटी या फिर राइस के साथ भी खा सकते हो, ये सच में बहुत ही टेस्टी लगती है। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए।